दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस प्लान को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर इस मॉडल को हमने डिज़ाइन किया है। मॉडल कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक अभी से कर दें। दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलता है यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्लान है। तो चलो हम इस प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश ज़रूर करूँगा, अगर आपने हमारे अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, और साथ साथ बेल आइकन दबाएं, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। तो आज का जो प्लान है, इसका अगर हम साइज़ की बात करें तो 15x50 फिट है। सामने से 15 फिट है और लंबाई इसकी 50 फिट है। ये लुक आपको फ्रंट का जो दिख रहा है, मैंने नॉर्मल ही डिज़ाइन किया, ज़्यादा कुछ नहीं डिज़ाइन किया। अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़्यादा बड़ा भी डिज़ाइन कर दूंगा। और ये 15x50 में मकान डिज़ाइन है। यहाँ पर मैंने 2 फ्लोर डिज़ाइन किए हैं, तो एक एक फ्लोर करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं। तो ये फ्रंट से ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन किया है, एक विंडो और एक आपका डोर दिया है, और कुछ नहीं। ये आप जूम करके देख सकते हैं, सिर्फ एक विंडो एक डोर दिया है। और जैसे आप इंटर करते हैं, आप इस मॉडल को देखिएगा, मैंने जो थंबनेल में कलर लगाया है दूसरा लगाया है, और ये यहाँ पर नॉर्मल सा कलर सिर्फ वाइट दिया है। वो आप पर डिपेंड करता है फिर आप कलर किस टाइप का लगवाना चाहते हैं। जैसे आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको ये एक ओपन स्पेस मिलता है। आपको चाहे एज अ गेस्ट रूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये स्टेयर्स मिल जाती हैं, देखिए ये स्टेयर्स हैं, ऊपर से आप नीचे जाएंगे। और ये आपका पूरा यहाँ डेकोरेट किया है मैंने रूम को, यहाँ पर सोफे लिए हैं आपके लिए, और ये आपका एक टेबल पड़ा हुआ है आप देख पा रहे होंगे। ये आपका यहाँ पर टीवी लगा, आप चाहे सारा टीवी भी लगा सकते हैं। और ये कुछ डिजाइनिंग के पार्ट्स हैं, सीनरी वगैरह लगा रखा है। तो ये तो हो गया बेडरूम की बात, बेडरूम बोलें इसको, ओपन बेडरूम है ये। और जैसे आप एंटर करते हैं फिर आपको यहाँ पर मिल जाता है टॉयलेट एंड बाथरूम कम्बाइंड है। दोस्तों, टॉयलेट और बाथरूम, क्योंकि यहाँ पर स्पेस की बात करें तो इसकी चौड़ाई मात्र 15 फिट है, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा आप सेपरेट चीज़ें नहीं बना पाएंगे। तो टॉयलेट एंड बाथरूम यहाँ पर कम्बाइंड मैंने दिया है। इसके बाद आपको एक बेडरूम ये मिल जाता है, ये देखिए यहाँ से एक मैंने डोर और इसके साथ विंडो भी दिया है। तो ये आपका एक बेडरूम यहाँ पर दिया है, ये बेड पड़ा है। इसके जस्ट बगल में आपका ये किचन मिल जाता है, ये आपका किचन का स्पेस है, ये देख पा रहे हैं। और लास्ट में भी आपको एक बेडरूम मिल जाता है, ये बेडरूम आपका पड़ा हुआ है। यहाँ पर सारी चीज़ें, ये डिजाइनिंग का पार्ट है, टेबल वगैरह आपका सारी चीज़ यहाँ पर पड़ा है। तो ये ग्राउंड फ्लोर है। अब इसके हम साइज़ की बात करें तो दोस्तों, टोटल इसका 15 फिट साइज़ था। 15 में अप्रॉक्स 4.5 फिट का ये गैलरी है टोटल। ये 4.5 फिट का गैलरी टाइप का आपको दिख रहा है। बाद बाकी जितना भी स्पेस बचता वो आपके कमरे, टॉयलेट, बाथरूम, इसमें छड़ाई की बात करें यूटिलाइज किया है। लंबाई की बात करें तो यहाँ आपको दोस्तों, मैंने अगर मोटा मोटा देख बताऊँ मैं आपको, तो 1, 2, 3 बेडरूम है और एक ये है, और 50 फिट आपके पास जगह है। तो आप पूरे मकान को 4 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। 12 × 4 मतलब 48 फुट हो जाता है स्क्वायर फिट। तो उसको आप 4 पोर्शन में डिवाइड करें, अगर 12 12 फिट के भी तीनों रखेंगे तब भी जो लेटरिन और बाथरूम का स्पेस है ये 12 फिट 6 फिट में, इसमें 6 फिट का आपका ये लेटरिन बाथरूम ये बन जाएगा, और 6 फिट में आपका किचन। अगर हम बात करें लंबाई की और चौड़ाई आपकी इतनी फिट रहेगी, लगभग अप्रॉक्स 10 फिट, 10x6 का ये, 10x6 का ये अप्रॉक्स निकल आएगा। अगर आप को लेटरिन पहले चाहिए या किचन पहले चाहिए, वो आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करते हैं। इसलिए मैंने ऐसा डिज़ाइन किया है। तो ये तो आपका हो गया पूरा ग्राउंड फ्लोर। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर जैसे आते हैं फ्रंट से देखिए, मैंने ऊपर गया और बाउंड्री दे दी है राउंडेड, ये आप पर डिपेंड करता है कैसा आप लुक देना चाहते हैं। मैंने जो सिंपल सा दिया है, और ये पिलर दिया है ऊपर के लिए, अभी आपको पता चले पिलर आपको क्यों दिख रहा है। तो आप स्टेयर्स के माध्यम जैसे ऊपर आएंगे तो आपको ये जो पहला वाला बेडरूम था इसको मैंने हटा दिया या ओपन स्पेस दे दिया, और बाद बाकी सारी चीज़ें वही हैं, सेम टू सेम है। देखिए वही आपका लेटरिन बाथरूम, वही बेडरूम, वही किचन, वही फिर से बेडरूम। तो ये बस आगे वाला फ्रंट का हटा दिया है। और अगर हम लास्ट फ्लोर की बात करें तो ये सिर्फ बस दिया, ये प्लस मैंने इसलिए दिए थे जो आप ऊपर से रूफ बनाएंगे, छत बनाएंगे, उसके सपोर्ट के लिए, क्योंकि सपोर्ट भी बहुत मेंशन करता है। लगभग 12 फिट का आपका रूफ होगा आगे, जो विदाउट किसी बेस के होगा, तो उसमें प्रॉब्लम मिलती है, तो आपको सपोर्ट देना इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए। और ये देखिए चारों तरफ से मैंने क्लोज कर दिया, आप चाहे तो इसको ओपन कर सकते हैं या क्लोज भी करा सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। और ऊपर जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने ओपन दे दी हैं, आप पर जाकर इसमें गुमटी बनवाने को आपको रहता, वो आपको बनवाना पड़ेगा। तो 15x50 फिट का ये मॉडल था दोस्तों, हमारे एक कस्टमर थे उनके कहने पर देखा। अब ये देखिए, ये मैंने सजाने, इसमें लाइट वगैरह लगाने के बाद जो थंबनेल आपको दिया, जो देखा होगा आपने, वो है वही चीज़, बट यहाँ पर लाइट वगैरह डेकोरेट किया है मैंने इसको एडिट करके, तो ये थोड़ा और खूबसूरत लग रहा है। ये आपका मकान बन जाएगा, इसके बाद आप कलरिंग करेंगे उसमें,
तो आपका मकान और भी बेहतरीन दिखने वाला होता है, क्योंकि मकान को डिपेंड करता है आप डेकोरेट कैसे करते हैं, लाइटिंग का इफेक्ट, बहुत सारा इफेक्ट होता है। तो ये पूरा मॉडल आपको ऐसा हूबहू दिखेगा, और ये मैंने जो थंबनेल बनाया था थोड़ा डेकोरेट करके और स्टाइलिश बनाया था। तो ये वीडियो कैसा लगा और ये प्लान कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें सपोर्ट करें फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। अगर आपका कोई भी रिकमेंडेड मॉडल है हमें कमेंट करें, हम आपका मॉडल बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।